सनी देओल की गदर मूवी की 10 ऐसी बातें जो शायद ही आपने सुनी होंगी। नंबर 1, बॉलीवुड हिस्ट्री में अब तक 3 बार ऐसा हो चुका है जब सनी देओल और आमिर खान की फिल्म एक ही महीने में रिलीज हुई है। सबसे पहले 1990 में घायल और दिल एक ही महीने में रिलीज हुई थी। दूसरे नंबर पर घातक और राजा हिंदुस्तानी नवंबर 1996 में रिलीज हुई थी। और तीसरे नंबर पर गदर एक प्रेम कथा और लगान एक ही महीने में एक ही दिन में रिलीज हुई थी 15 जून सन 2000 को। और ऐसे होने से इन दोनों ही हीरोज की फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिला था। नंबर 2, इसमें हमें जो सनी देओल के बेटे बने हुए नजर आते हैं वास्तव में उनका नाम उत्कर्ष शर्मा है और वो इस फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे हैं। गदर एक प्रेम कथा के वक्त उनकी एज लगभग 7 साल के आसपास थी जिसमें वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आए थे। और बाद में सन 2018 में अनिल शर्मा ने अपने बेटे को फिल्म जीनियस से लॉन्च किया था जो कि उनकी बॉलीवुड में पहली डेब्यू फिल्म थी। नंबर 3, एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने बताया कि इस फिल्म के एक सीन की शूटिंग के दौरान वो काफी डर गए थे और इस सीन में सनी देओल और अमीषा पटेल को चलती ट्रेन में एक बोगी से दूसरी बोगी पर जंप करना था और साथ ही साथ सनी देओल के कंधे पर उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा भी थे। इस सीन की शूटिंग के दौरान ट्रेन लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और उन्होंने बताया कि इस सीन की शूटिंग के दौरान उन्होंने अपनी आंखें ही बंद कर ली थी कि अब क्या होगा पता नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत डर लग रहा था कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन जब सीन खत्म हुआ और कट की आवाज आई तब उन्होंने आंखें खोल कर देखा तो सनी देओल के साथ उत्कर्ष शर्मा वहीं पे खेल रहे थे। उन्होंने बताया कि वो आज भी इस सीन को सोचकर डर जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही रिस्की सीन था और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नंबर 4, इस फिल्म की स्टोरी कुछ कुछ मिलती है ब्रिटिश आर्मी से रिटायर्ड एक सिख सोल्जर बूटा सिंह की रियल लाइफ से, जिन्होंने पार्टीशन के टाइम पर एक मुस्लिम लड़की को बचाया था और इसी दौरान दोनों को प्यार हुआ और आपस में शादी भी कर ली। लेकिन बाद में लड़की को पाकिस्तान भेज दिया गया और बाद में अपनी वाइफ को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए बूटा सिंह गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में एंटर हुए। लेकिन लड़की के फैमिली प्रेशर की वजह से लड़की ने इंडिया वापस आने से मना कर दिया और बाद में बूटा सिंह ने ट्रेन के आगे कूद कर अपनी जान दे दी। नंबर 5, इस फिल्म में लीड एक्टर के लिए गोविंदा सबसे पहली चॉइस थी लेकिन सन 1998 में गोविंदा की फिल्म महाराजा फ्लॉप हो गई थी जिसको भी अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था और उसके बाद ही अनिल शर्मा ने गोविंदा को कास्ट करने का अपना मूड चेंज कर लिया। वहीं इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के लिए पहले काजोल से बात की जा रही थी लेकिन उनके पास डेट्स की काफी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी और बाद में ये रोल ऑफर हुआ अमीषा पटेल को। नंबर 6, इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के लिए लगभग 500 लोगों ने ऑडिशन दिए थे, उनमें से अमीषा पटेल को साइन किया गया था। हालांकि अमीषा पटेल सन 2000 में ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी थी। उसके बाद उनकी एक तेलुगु फिल्म आई थी और उसके बाद वो गदर एक प्रेम कथा में नजर आई थी और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया था। नंबर 7, फिल्म गदर एक प्रेम कथा और लगान एक ही दिन पर रिलीज हुई थी और इन दोनों ही फिल्मों को फिल्म फेयर में 9 नॉमिनेशंस मिले थे और उसमें से 8 फिल्म फेयर अवार्ड लगान फिल्म जीत गई थी और गदर को केवल एक ही फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, ऐसे ऐसे करके 8 अवार्ड लगान को उस साल मिले थे। लेकिन सनी देओल को लगता था कि फिल्म गदर में उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, इसके बाद से ही उन्होंने अवार्ड शोज में हिस्सा लेना बंद कर दिया। नंबर 8, सन 1998 में जब गोविंदा एज अ एक्टर अपनी फिल्म महाराजा के लिए काम कर रहे थे और अनिल शर्मा एज अ डायरेक्टर उनकी फिल्म पर काम कर रहे थे, उसी समय फिल्म गदर एक प्रेम कथा के स्क्रिप्ट पर भी काम चल रहा था। लेकिन गोविंदा और अनिल शर्मा की सोच में काफी कुछ डिफरेंसेस थे। गोविंदा को लगता था कि इस फिल्म में बहुत सारे चिल्लाने वाले और गाली गलौच वाले सीन ना रखे जाएं। लेकिन अनिल शर्मा जैसी सोच रखते थे वैसी ही फिल्म बनाना चाहते थे। इसके बाद वो एक्टर धर्मेंद्र के पास गए जिनके साथ वो बहुत सारी हिट फिल्मों में काम कर चुके थे। धर्मेंद्र के रेफरेंस में ही उन्होंने सनी देओल से बात की और सनी देओल को आखिरकार इस फिल्म में फाइनल किया गया। नंबर 9, फिल्म गदर एक प्रेम कथा के रिलीज के वक्त काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। कई जगह सिनेमा घरों में पेट्रोल के गोले फेंके गए और वहां पर आग लगा दी गई। बाद में ऐसे थिएटर्स में इस फिल्म को पुलिस सिक्योरिटी के साथ में चलाया गया था।
नंबर 10। इस फिल्म की शूटिंग इंडिया के कई लोकेशंस पर की गई थी, जैसे कि शिमला, लखनऊ, अमृतसर और पठानकोट। फिल्म में कुछ सीन बिसोफ स्कूल शिमला में शूट किए गए थे और कुछ सीन सैक्रेड हार्ट स्कूल डलहौजी में शूट किए गए थे। इस फिल्म में जो पाकिस्तान के सीन दिखाए गए हैं, वो एक्चुअली उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में शूट किए गए थे। वहाँ की इकबाल मंजिल पैलेस और लॉ मार्टिनियर बॉयज हॉस्टल में काफी सारे सीन शूट किए गए थे, जिनको फिल्म में पाकिस्तान दिखाया गया था। और इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे वाले सीन को अच्छे से दिखाने के लिए वो सीन पठानकोट और अमृतसर में शूट किए गए थे। वैसे दोस्तों, गदर फिल्म आपको कैसी लगी थी, नीचे हमें कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।